आज के टॉपिक में हम मीडिया फाइल्स अपलोड करेंगे लाइक ऑडियो वीडियो एंड इमेजेस, और उसको सर्वर के ऊपर सेव करवाएंगे और डेटाबेस में सेव करवाएंगे। स्क्रीन पे मूव करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी जो भी हमने फाइल्स अपलोड करवानी है, ठीक है, उसके लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने डेटाबेस बनाया होता शॉप, और उसमें टेबल था हमारा यूज़र, तो मैं सेम डेटाबेस के अंदर मीडिया फाइल्स के लिए एक टेबल क्रिएट कर लूँगी। सबसे पहले हमें आईडी डिफाइन करनी है, उसके बाद इमेज के लिए, ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए तीन कॉलम नेम सेट कर लेने हैं। इमेज के लिए आप नॉर्मली, इसमें हमने क्या करना है, इमेज का सिर्फ नेम सेव करवाना है, ठीक है। तो आप वेरिएबल करेक्टर का डेटा टाइप ले सकते हो, आपको ब्लॉब या कोई और डेटा टाइप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इमेज है वो हम सर्वर पे ही सेव करवाएंगे और यहाँ पे सिर्फ हम उसका नेम सेव करवाएंगे। तो नेम वेरिएबल करेक्टर में आप सेट कर सकते हो। सेम प्रोसीजर हम ऑडियो और वीडियो के लिए भी रखेंगे, क्योंकि जो फाइल हम सर्वर पे अपलोड करवाना चाहते हैं उसका जो भी नेम रहेगा वो हम डेटाबेस में सेव करवा लेंगे, ताकि जब हम उसको फैच करना चाहें तो हम यहाँ से नेम उठाएंगे और फाइल सर्वर से उठाएंगे। तो हमने जो आईडी है उसको प्राइमरी की सेट कर लेना है और ऑटो इंक्रीमेंट कर लेना है। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है, और ये हमारा टेबल है जिसका नाम हम मीडिया रख रहे हैं, ठीक है। तो मीडिया फाइल क्रिएट करने के बाद अब हमें फोल्डर में मूव करना है, और यहाँ पे हम अपने लिए एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे जिसके अंदर हमारी कोडिंग रहेगी मीडिया फाइल्स के रिगार्डिंगली। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, कोई भी फॉर्म, जैसे हमने पहले रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म क्रिएट किया हुआ था, आप सेम फॉर्म उठा सकते हैं, ठीक है। बस उसमें आपने जो चेंजेस सेट करने हैं वो आप कर लीजिए, जैसे कि मैंने जस्ट ऐसे कोडिंग उठा ली है फॉर्म की, और इसमें से मैं सारी फाइल्स रिमूव कर दूंगी, सिर्फ फील्ड रखूंगी एक की, ठीक है। और इसको पहले हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, सेव एज मीडिया डॉट पीएचपी, ठीक है। अब हमने इसमें जो फाइल्स अपलोड करवानी है, जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ फाइल अपलोड, ठीक है। और अब हमारी जो फॉर्म के अंदर उसकी टाइप रहती है वो रहती है फाइल। आप कोई भी फाइल अपलोड करवाना चाहते हो, बट आपकी इनपुट टाइप फाइल रहेगी। यहाँ पर आप उसका नेम जो भी आपको सूटेबल रखता है वो रख लीजिए। ये हमारा इमेज हो गया इसका नेम, और यहाँ पे हमने इसकी इंक्रिप्शन टाइप सेट करनी है, जिसकी हेल्प से ही मीडिया फाइल्स ऑनलाइन अपलोड हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें लिखना है इंक टाइप इक्वल्स टू मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, ये हो गई इंक्रिप्शन टाइप सेट कर ली हमने। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कोड रहेगा, जैसे कि हमें सबसे पहले तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी अपनी सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से कनेक्टिविटी का कोड उठा लेती हूँ, ठीक है, और इसको हम सेम पेज पे पेस्ट कर लेते हैं। डेटाबेस का नाम तो शॉप है, टेबल का नेम हमने चेंज किया है। अब हमने जो डेटा सबमिट करना है उसको गेट करवाना है, तो उसके लिए सेम क्वेरी रहती है हमारी पीएचपी के अंदर, बस आपने फाइल्स को जो गेट करवाना है उसका थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले इफ इज सेट का ही कोड रहेगा, इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट, आपके बटन का नेम है ये लगा लेना है हमने, ब्रैकेट्स क्लोज कर दो और खाली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी हमारी। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने हमें वैसे तो इन मीडिया फाइल्स के लिए फाइल टाइप, फाइल साइज, इस तरह की फील्ड्स भी हम यूज़ करते हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ दो फील्ड्स यूज़ करूँगी, एक टेम्परेरी नेम की और एक नेम की, ठीक है। तो एक फील्ड मैं बना रही हूँ आई एम जेड से,
वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ उसके अंदर हम गेट करवाएंगे इसका नेम। तो हमें लिखना है डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और यहाँ पे जो भी इसका नेम है वो लिख देंगे हम आई एम जेड। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इसका नेम रहेगा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन रहेगी। नेक्स्ट हम वेरिएबल ले लेंगे टेम्प नेम के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका टेम्परेरी नेम सेव करना है। तो ओरिजिनल नेम और साथ में आइडेंटिफिकेशन है उसकी कि यहाँ पे हम टेम्परेरी नेम सेट कर रहे हैं। तो ये रहेगा टेम्प नेम, ठीक है, इमेज एंड टेम्प नेम। उसके बाद अब हमारी यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी लगेगी कि जो भी हमने डेटा अपना मूव करवाना है, जैसे हमने पहले इंसर्ट की क्वेरी लगाई थी सेम ही रहेगी। तो मैं यहाँ से एक क्वेरी उठा ही लेती हूँ और इसको मॉडिफाई कर लूँगी। ये सेम इंसर्ट की क्वेरी है जैसे हमने बाकी प्रोसीजर्स में लगाई है, बस यहाँ पे हमारे कॉलम का नेम आएगा, ठीक है, इंसर्ट इनटू हमारे जो डेटाबेस में टेबल था उसका जो नेम है वो है मीडिया, ठीक है। तो ये वाला टेबल जो है हमने यूज़ करना है डेटा सेव करवाने के लिए जो हम यहाँ से अपलोड करवाएंगे सर्वर से। तो मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेती हूँ क्योंकि ये टेबल यहाँ पे शो नहीं हुआ है हमारे पास, क्रिएट हो गया है लेकिन शो नहीं हुआ, अब हो गया। इसका नेम है मीडिया MEDIAA। तो मुझे यहाँ पे लिखना है MEDIAA मीडिया हमारे टेबल का नेम, और यहाँ पे रहेगा हमारा वेरिएबल का नेम जो IMZ है। नेम वाला जो ओरिजिनल नेम वाली फील्ड है वो हमने डेटाबेस में सेव करवा लेनी है, और जो टेम्परेरी फील्ड है टेम्परेरी नेम के साथ उसकी हेल्प से हमने मूव अपलोडेड फाइल का कोड लगा के डॉलर टेम्प नेम, ठीक है, कोमा, यहाँ पे उस फोल्डर का नाम दे दीजिए आप जिसमें भी अपलोड करवाना चाहते हैं, और साथ में डॉट लगा के आप कंकैट कर दोगे इसका ओरिजिनल नेम, ठीक है। तो ये इसी नेम से डेटाबेस पे अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पे हम इसकी क्वेरी को परफॉर्म कर लेंगे, इंसर्ट इनटू मीडिया नेम, सॉरी यहाँ पे इसका IMZ फील्ड का नेम, तो वही हमने यहाँ पे रखना है जो वहाँ पे हमारा आएगा, सेम नेम हम कॉलम का यहाँ पे रखेंगे। अब हमें इस डॉलर IMZ को, इसको भी मैं स्मॉल लेटर्स में ही कर लेती हूँ, IMZ, इस वेरिएबल को डेटाबेस में सेव करवा लेना है, ये इसका ओरिजिनल नेम है, और फाइल को हमने सर्वर पे अपलोड करवा लेना है, ठीक है। तो इसको हम लॉन्च करेंगे क्रोम में। फाइल डाउनलोड्स सबमिट, ओह सॉरी, वन थिंग मोर, एक हम चीज़ भूल गए, हमें यहाँ पे पिक नेम का फोल्डर भी क्रिएट करना है क्योंकि उसके अंदर ही हम अपनी फाइल को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको रीनेम कर लो, जो भी आप अपनी फाइल का नेम रखना चाहते हो फोल्डर का जिसके अंदर आपकी फाइल्स जानी चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेरी में लिखा है मूव अपलोडेड फाइल टेम्प नेम के साथ पिक फोल्डर के अंदर और प्लस ओरिजिनल नेम, ठीक है। तो ये क्वेरी ऐसे ही रन होती है, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ,
choose file, again same, submit, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मीडिया में अगर इमेज अपलोड करवाना चाहते हैं जैसे ये, तो इसको अपलोड करवा सकते हो, ठीक है। और सेम हमारा रहता है कि हमारी जो फाइल है वो सर्वर पे भी आ जानी चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे सर्वर पे पिक फोल्डर क्रिएट तो कर रखा है लेकिन हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं हुई है, तो उसको हमें चेक करना है, क्योंकि इसका जो नेम था वो स्मॉल लेटर्स में था, IMZ, ठीक है। तो ये क्वेरी डेटाबेस में भी मीडिया फाइल का नेम सेट कर देगी और सर्वर पे फाइल भी अपलोड कर देगी। शॉप एंड पिक, अगेन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी फाइल अपलोड नहीं हो रही है, जो हम सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं लेकिन डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रही है। तो हमारी जो क्वेरी है सर्वर पे अपलोड करने के लिए वो सिंगल लाइन की हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, वैसे ये काफ़ी लेंथी रहती है। मूव अपलोडेड फाइल टैम नेम कोमा पिक फोल्डर नेम डॉट डॉलर IMZ। सो ये प्रोसीजर तो सेम ही रहता है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि ये रिफ़्रेश हो रहा है हमारा कोड कि नहीं, चाहे हम इसको क्लोज करके एक बार फिर से रन करवा लेते हैं। कोई और नेम से इमेज भी नहीं पड़ी हुई है तो यही यूज करनी पड़ेगी। तो ये हमारी सर्वर पे पिक्चर अपलोड होगी, एक्चुअली मेरे लैपटॉप की कैशे क्लियर नहीं रहती है जिसके कारण ये मीडिया रिफ्रेश नहीं कर पाता है। तो इस कोड की हेल्प से हम अपनी मीडिया फाइल को सर्वर पे रखते हैं। वैसे तो अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो इसको काफ़ी लेंथी प्रोसीजर में शो किया हुआ है, लेकिन हम इसको सिंपल वे में इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं कि आपने सारे नेम्स को वेरिएबल में सेट कर लेना है और जो आपको डेटाबेस में सेंड करने हैं उनको डेटाबेस में मूव करवा दीजिए, और जो हमें अपना सर्वर पे अपलोड करना है उसको सिंगल लाइन में ही आप क्लियर कवर कीजिए कि मूव अपलोडेड फाइल टेम्प्रेरी नेम पिक्चर का नेम और ओरिजिनल नेम, ठीक है। फाइल टाइप और फाइल साइज़ की अगर आप रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, वैसे ऐसा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हर अलाउ करूँगी कि कोई भी फॉर्मेट अपलोड हो सके मेरी साइट पे। तो अगर आप लगाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन फाइल टाइप और फाइल साइज़ के लिए क्वेरी सर्च कर सकते हो। हमने अब यहाँ पे दो टेबल्स में वेरिएबल सेट किए हुए हैं, एक ऑडियो का है और एक वीडियो का है। तो ये प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी कि किस तरह से हम ऑडियो और वीडियो फाइल्स ऑनलाइन अपलोड करते हैं और डेटाबेस में उसका नेम सेव करवाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।